हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो गाइस आप सब? हाय राजेश, हाय प्रांतो, हाउ आर यू गाइस? जस्ट वंस लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू क्लियरली. आप सबको ऑडिबल विजिबल क्लियर है? उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. द हिंदू हम जैसे हम डेली कवर करते हैं वही हम आज भी कवर करेंगे द हिंदू. और इसमें हम एमसीक्यू की फॉर्म में जो करंट अफेयर होते हैं आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए इस क्लास को देखेंगे. ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टडी आईएएस. एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज अंकिता जिंदल. आप मेरे को मेरे अनअकैडमी अंकिता जिंदल पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है. दूसरा, हम इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं. हिंदू की एमसीक्यू, हिंदू का करंट अफेयर, इंडियन एक्सप्रेस का करंट अफेयर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, पीआईबी जो डेली आती है और जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि किस मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है और क्या कहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज हम यहाँ कवर करेंगे. एयर जो न्यूज होती है उनको भी हम कवर करेंगे. ओके, सो एक बार आप अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए कमेंट में. अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कल से प्राइस हाइक होने वाली है 20 से, और स्टडी आईएएस का कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा. हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं. अनअकैडमी प्लस पे अमन शर्मा सर डेली क्लास लेते हैं, डेली करंट अफेयर शो उनका होता है, हिंदू एक्सप्रेस, एयर न्यूज, नोट मेकिंग, सब कुछ उनके द्वारा कवर होता है. ओके, ये सभी बैचेस हैं जो प्लस पे चल रहे हैं, आप इनमें एनरोल करा सकते हैं. मॉक टेस्ट होगा 25 को, तो वहां पे भी आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हो. हाय मोनी, हाय सचिन, हाय राशिद, हाउ आर यू गाइस? आप अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए. हाय सपना. सो पहला क्वेश्चन है, नैनो मेटीरियल अकर नेचुरली इन द वर्ल्ड, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इट. जो नैनो मेटीरियल होते हैं वो नेचुरली होते हैं वर्ल्ड में, वो नैनो मटेरियल क्या है और विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इट, यानी कि जो नेचुरली होते हों. पार्टिकल्स इन वॉल्केनिक ऐश, एग्जॉस्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, पीकॉक फेदर कलर, हेमोग्लोबिन इन अवर ब्लड. ओके, सो अब आपको बताना है कि इनमें से नेचुरली क्या है, विच अकर नेचुरली इन द वर्ल्ड. राइट कोड क्या है? 2N3 1 3 4 1 2 3 2 3 4. हाय आदित्य, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. कुछ नैनो मेटीरियल होते हैं जो मैन मेड होते हैं और कुछ नैनो मेटीरियल होते हैं जो नेचुरल होते हैं. तो आपको ये बताना है, ये नेचुरल नैनो मेटीरियल है, इनमें से नेचुरल कौन से होंगे? पार्टिकल्स इन वॉल्केनिक ऐश, फॉसिल फ्यूल, पीकॉक फेदर कलर या फिर हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड. हाई नॉलेज, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. सो गाइज, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखते ही आंसर कर दीजिए, सो दैट की टाइम वेस्ट ना हो और बहुत जल्दी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए. आंसर इट. राशिद सेड इट्स बी. ओके, जो नेचुरली होगा. ओके राजेश, हाय नीतू. ओके, सो राइट आंसर इज बी 1 3 4, क्योंकि आप सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल से जो एग्जॉशन होता है वो नेचुरली तो नहीं होता ना. फॉसिल फ्यूल का एग्जॉशन मैन मेड होता है, जब हम लोग करवाते हैं तब वो एग्जॉस्ट होते हैं, जब बर्न करते हैं तब उनमें से एग्जॉशन होता है, दैट्स वाई ये नेचुरली नहीं है. पीकॉक के जो फैदर का कलर होता है, जितना प्यारा कलर होता है वो नेचुरली होता है, उसे मैन मेड नहीं करता. हमारा हीमोग्लोबिन का जो कलर है और जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, दैट इज नेचुरल. वोल्केनिक ऐश से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट इज नेचुरल. सो 1 3 4 हमारा आंसर होगा, दैट इज बी. हाय इंद्रदुल, राइट, बी इज द राइट आंसर. नेचुरल नैनो मेटीरियल वो होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, जैसे वोल्केनिक ऐश, स्मोक, या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडीज में, हीमोग्लोबिन हो गया जैसे अपने ब्लड में, ये सारे नेचुरल होते हैं. ब्रिलियंट कलर होता है फैदर का, वो भी नेचुरल होता है. जो मैन मेड होंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल से बर्न करने के बाद जो एग्जॉशन निकलता है, दैट इज मैन मेड.
इंजन बर्न करते हैं तब उससे जो स्मोक निकलता है दैट इज मैन मेड, जो पॉल्यूशन होता है व्हीकल से दैट इज मैन मेड, फैक्ट्री से एग्जोशन होता है, स्टबल बर्निंग होती है, यानी कि जितने भी तरीके के पॉल्यूशन होता है वो सारा मैन मेड नैनो मेटीरियल्स में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम, पाके टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मिजोरम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है। हाय सुमन, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3। सो आपको इससे रिलेटेड ग्लोबल टाइगर फोरम ये क्या है ये पता होना चाहिए, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं वो पता होना चाहिए, पाके टाइगर रिजर्व जिसको पाखुई टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है वो कहाँ है उसका पता होना चाहिए, एनटीसीए के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाय आकाश जिंदल, डी, यू से डी, ओके। ओके राजेश, राशिद, नीतू, इमदादुल, आंसर इट, आदित्य, राइट, ए, ओके। सो गाइज राइट आंसर इज, आप सब लोग अगर आंसर नहीं करेंगे तो मेरा कोई इसमें नुकसान या फायदा नहीं है, आपका नुकसान है क्योंकि चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, आप सिर्फ सुन के पढ़ के चले जाओगे, बात खत्म। इसमें पूरा ध्यान लगा के कीजिए, अपनी नींद को खोलिए और पूरा ध्यान लगा के क्वेश्चन को समझिए क्या है ये। पाके टाइगर रिजर्व मिजोरम में है या अरुणाचल में है, कितना सा सामने ही बोल रहा है, सामने ही आंसर है, मिजोरम में है ना। अगर टू कहीं नहीं है तो एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज सी, एलिमिनेटिंग मेथड से भी हो सकता है ये। आपको पाके का एक बार पता होना चाहिए कि अरुणाचल में है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। ओके, ग्लोबल टाइगर फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इसमें मेंबर्स के अंदर, मेंबर्स जो हैं इस ग्लोबल टाइगर फोरम के, उनके ऊपर इच्छा, उनकी इच्छा होती है कि अगर उन्हें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो वो इसका हिस्सा बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। ये 93 में बना था टाइगर कंजर्वेशन की रिकमेंडेशन से, जो कि न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी उसकी रिकमेंडेशन से जीटीएफ 93 में बना था। पाके टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। पाके को पाखुई टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। इज इट क्लियर गाइस, क्लियर है ये। रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट टाइटल इज ब्रेक्जिट बियॉन्ड टैरिफ रिलीज बाय हुम, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ब्रेक्जिट बियॉन्ड टैरिफ, इसका ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनाइटेड के द्वारा या यूरोपियन यूनियन के द्वारा। सो ब्रेक्जिट बियॉन्ड टैरिफ, सचिन सेड इट सी, ओके। आंसर इट गाइस फास्टली, बहुत जल्दी आंसर करिए। ओके राजेश, ब्रेक्जिट बियॉन्ड टैरिफ, अब रिपोर्ट के टाइटल से सोचिए क्या होगा, क्या ब्रेक्जिट बियॉन्ड टैरिफ, डी, ओके। अब गाइज क्वेश्चन अगर आप लोगों ने, अगर आपने करंट अफेयर नहीं कर रहे हो, आप रेगुलरली फॉलो, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेक्जिट से सीधा ही आंसर आपको यूरोपियन यूनियन नजर आता है, जैसे कि राशिद को आया, बट एक्चुअली में आंसर सी है, यूनाइटेड। ओके, अगर आप करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से आपको यूपीएससी भटका नहीं सकता है। अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको आंसर पता होगा, यूनाइटेड। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट को रिलीज करा है और उन्होंने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को भी रिलीज करा था इसके साथ साथ ही 2020 का। चलिए, द 8th एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन नेवी एंड श्रीलंका नेवी बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लिनिक्स 20 इज शेड्यूल्ड ऑफ, यानी कि इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में एक
मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है स्लीनेक्स 20, वो अभी कंडक्ट होने वाली है, जिसका अब की बार कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन है। अब आपको इससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इट। स्लीनेक्स एक बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है दैट वाज इनिशिएटेड इन 2005। गाइस लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है, लैंग्वेज कोई इशू तो नहीं है, वो चीज मुझे एक बार बताइए कि आप लोगों को इंग्लिश में समझ आ रहा है। अगर नहीं आता देन यू लेट मी नो, वही मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। स्लीनेक्स एक बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो कि 2005 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य है एम्स टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, इंप्रूव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन बनाना है और अच्छे तरीके से काम हो सके, प्रोसीजर चल सके, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को, इस उद्देश्य के साथ इस एक्सरसाइज को बनाया गया है दोनों नेवीज के बीच में। तो ये नेवी एक्सरसाइज है। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कोई एक है, बताइए। ओके आंसर इट फास्ट। चलिए सो राइट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्लीनेक्स ये एक्सरसाइज अभी कंडक्ट हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इस बार जो होने वाला है वो 8th एडिशन है, राइट। इस बार 8th एडिशन होने वाला है, 2005 में ये स्टार्ट हो गई थी, और इससे पहले स्लीनेक्स जो 19 हुई थी वो कहाँ हुई थी, विशाखापट्टनम में हुई थी। लेकिन अभी 8th जो एडिशन है वो कहाँ कंडक्ट होने वाला है, श्रीलंका के ट्रीन कोमाले में, वहां ये कंडक्ट होने वाला है। श्रीलंका की तरफ से कौन इसे रिप्रेजेंट करेगा, वहां की दो शिप हैं जिसका नाम है सयूर और गजबाहु। दो शिप का नाम क्या है, सयूर और गजबाहु, ये दोनों शिप श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेंगी। और इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कमोर्ता और किल्तन। क्या है नाम पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका को सयूर और गजबाहु रिप्रेजेंट करेगा, दोनों शिप है ये, और इंडिया को कमोर्ता और किल्तन शिप है, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगी। ओके इंडिया नेवी की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर भी इस यहां पर पार्टी इस मीटिंग में हिस्सा लेगा। इज इट क्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेस सेटर फंड। अगर गाइज अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो, अगर किसी दिन आपका ये होता है कि आज मेरा करंट अफेयर रह गया, फिर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो भी आपको सफिशिएंट है, क्योंकि हर न्यूज यहाँ पे कवर करी गई है, किसी न्यूज को नहीं छोड़ा गया है। इवन रैंडम जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले की जो न्यूज है वहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इसमें है, सो दैट की इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा आज करंट अफेयर रह गया है। आपकी एमसीक्यू अगर आप क्लास कर लेते हो, ज्यादा देर की भी नहीं है, 1 आवर की क्लास है, तो आप यहां से कर लेते हो तो आपकी अच्छी कवरेज हो जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पे सेटर फंड। एक पे सेटर फंड बना है, उससे बारे में आपको आंसर करना है। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय इंडिया एंड यूएसए इन 2015। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड ग्रांट टू 4 प्रोजेक्ट, बोथ आर ट्रू या नन ऑफ द अबव। अब है क्या ये पे सेटर फंड, आंसर इट। पढ़ा है इसके बारे में सचिन राशन राजेश, पे सेटर फंड क्या है, क्या ये पे सेटर फंड, क्या ये इंडिया और यूएसए के बीच में 2015 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको 4 प्रोजेक्ट दिए हैं इस फंड को, और ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है या फिर नन ऑफ द अबव। ओके राजेश, सो राइट आंसर इज बी, सॉरी सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच में पे सेटर फंड बना था 2015 में, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको 4 प्रोजेक्ट ग्रांटेड करे हैं।
इंडिया की तरफ से इसमें 50 करोड़ रुपए लगे हैं और यूएस डॉलर में अगर देखा जाए तो 7.9 मिलियन रुपीज इस फंड में लगे हुए हैं। दोनों ही गवर्नमेंट इसको और इसको मैनेज करते हैं। इट इज ए जॉइंट फंड टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज ग्रांट फंडिंग टू एक्सेलरेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो फंड है किसके लिए काम करता है कि जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट होते प्रोडक्ट होते हैं उसको एक नए तरीके से शो करना, एक नए तरीके से दिखाना, बिजनेस मॉडल को बनाए रखना, वो एक ये फंड जो है वो काम करता है। इंडिया और यूएसए के बीच में है, 2015 में स्टार्ट हुआ है, इतना भी आप याद रख लोगे तो भी काफी होगा। Consider the following statement. BrahMos supersonic cruise missile is a joint venture of DRDO and NPO of USA. BrahMos is named on Brahmaputra in Moskva River. This missile is surface to surface missile. Right code क्या है? One only, two and three only, two only या all are true? ये question बहुत ज्यादा important है और ये काफी popular question भी है, पहले से ये चलता आ रहा है। Good morning. आई होप कि आप इस क्वेश्चन में एक भी गलती नहीं करोगे और सब आंसर करोगे। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा, मतलब काफी टाइम से न्यूज में है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट कोड आपको बताना है। गुड मॉर्निंग रविंदर, आंसर करिए क्वेश्चन का। ओके राशिद, बी राइट, चलिए ऑल यू मस्ट हैव आंसर इट। सो राइट आंसर इज सी, ब्रह्मोस मिसाइल गाइज, डीआरडीओ यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में है। यूएसए कहां से आया? सो यूएसए नहीं है, ये जो एनपीओ है ये भी रशिया का ही है, यूएसए का नहीं है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहां गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है कि ब्रह्मोस इस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र जो इंडिया की रिवर है और मोस्कवा जो रशिया की रिवर है, अगर आपको रिवर का भी पता होता मोस्कवा कहाँ गया तब भी ये गलत हो जाती स्टेटमेंट। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है, ना कि सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल है। सो इस केस में आपका सी ओनली सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करिए, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए और जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो अच्छे से उस बात को माइंड में सेट करिए और ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं होंगे। राइट, एयर टू सरफेस का मतलब क्या होता है कि सपोज आप यहां से मिसाइल छोड़ रहे हो, पहले ये एयर में जाएगी और उसके बाद सरफेस पे आके अटैक करेगी। ओके, सरफेस टू सरफेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप यहां से इसको रिलीज कर रहे हो तो ये डायरेक्टली एयर में नहीं जाएगी, यानी कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, सिर्फ इतना ही सरफेस पे जाके ये अटैक करती है। नहीं सचिन, सी इज द राइट आंसर। सो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये एक मल्टीलेटरल जो है मिसाइल है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी इसका टेस्ट किया गया था, वो सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए ये न्यूज में था। डीआरडीओ और एनपीओ ऑफ रशिया के बीच में ये मिसाइल है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रिवर के नाम पे पड़ा है। मल्टी प्लेटफॉर्म रिवर है, यानी कि आप इसको लैंड से भी, एयर से भी, सी से भी, कहीं से भी इसको रिलीज कर सकते हो। मान लो आप सी में हो, सी से भी इस मिसाइल को रिलीज करा जा सकता है। इसको डे और नाइट कभी भी रिलीज कर सकते हो और वेदर कंडीशन का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वेदर खराब भी है तभी भी इस मिसाइल को लॉन्च करा जा सकता है। ये जो मिसाइल है किस प्रिंसिपल पे चलती है? फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार आप इसे फायर कर दीजिए और फॉरगेट, भूल जाइए कि आपने कोई मिसाइल भी छोड़ी है। इसने जो अपना काम करना है ये करके आएगी, समझे बात? तो इसको थोड़ा इस तरीके से माइंड में सेट करिए कि आपने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी, अब इसको भूल जाइए। ब्रह्मोस एक फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो कि इतनी तेजी से
ऑपरेट करती है जिसका स्पीड कितनी है, मैच 2.8, जो कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा है। तो अब आप देखोगे कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है ना, इसीलिए ये प्रिंसिपल पे काम करती है, फायर एंड फॉरगेट, कि अब भूल जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP के बारे में आपको आंसर करना है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2019। गाइज ब्रह्मोस के बारे में क्लियर है, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट एम्स टू कट डाउन PM10 एंड PM2.5 बाय 20% टिल 2024। NCAP कवर्ड ऑल ओवर इंडिया। राइट कोड क्या है, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या ऑल आर ट्रू? आंसर इट गाइस, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां से अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो उसका बेसिक यानी कि स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर होता है, और करंट तो आपका रेगुलर हो ही रहा है। सो इस क्लास को आप रेगुलर अपने शेड्यूल में डाल लीजिए कि मुझे 9 बजे स्टडी आई चैनल पर जाना है और इस क्लास को 1 घंटे के लिए देखना है। ओके राशिद सेड इट्स 1 एंड 2। ओके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इट्स राइट आंसर इज सी, 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑल ओवर इंडिया ये चीज गलत है, क्योंकि अभी ये सिर्फ 122 सिटीज में ही इंप्लीमेंट हो पाई है NCAP, पूरी इंडिया में अभी ये कवर नहीं कर रही है। इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है, ऑल ओवर इंडिया नहीं है, सिर्फ 122 सिटीज में है। राइट, सो गाइज आप सबको आंसर करना है। रविंदर सचिन, यू डोंट आंसर इट, सो प्लीज आंसर करिए। NCAP मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च करा है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसका उद्देश्य यही है कि PM10 है जो, और PM2.5 है, उसको अप्रोक्स 20 से लेके 30% तक कम करना है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि 2019 में ये लॉन्च हुआ है और नेक्स्ट 5 ईयर कब तक होंगे, 24 तक। तो इसके अगर ऐसा भी आता है यहाँ पे कि इन नेक्स्ट 5 ईयर, तो वो भी आपको याद रखना है कि 5 साल तक इसका उद्देश्य चलेगा। इसका टारगेट ईयर क्या है, 5 ईयर्स है। न्यूज में ये इसीलिए था क्योंकि BS6 का जो व्हीकल अभी सरकार ने लॉन्च कर दिए थे अप्रैल 2020 से, वो एक काफी ज्यादा अच्छा स्टेप, सरकार ने बोला है कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो कम हो रहा है, इसीलिए ये न्यूज में था। BS6 जो फ्यूल होते, BS6 जो व्हीकल होते हैं, वो रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को, एमिशंस को, बाय 70% इन डीजल कार, 25% इन पेट्रोल कार, और पार्टिकुलेट मैटर को इन व्हीकल्स बाय द 80%। नहीं सचिन, NCAP 19 में लॉन्च हुआ है, लेकिन जो अपना वो कंपैरिजन करता है, यानी कि कितना वो रिडक्शन करेगा, ये जो कंपेयर कर रहा है वो 2017 के बेस पे करता है। ओके आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ी सी कमी है आपके पढ़ने में। NCAP लॉन्च 2019 में ही हुआ है, इसका टारगेट ईयर 24 है, लेकिन जो ये कंपेयर करेगा कि इसको कितना ज्यादा जो एमिशंस को कम करना है, वो कंपैरिजन कब तक है, 2017 के बेस पे है। ओके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसे लॉन्च करा है, 122 सिटीज में अभी एप्लीकेबल है, और इसका उद्देश्य क्या है कि 20 से लेके 30% तक रिडक्ट करना, कम करना PM10 और PM2.5 को, कब तक, 2024 तक। सचिन इज इट क्लियर टू यू? ये सारे पॉइंट्स जो है आप अपने मेंस में लिख सकते हो, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो, कि एयर पॉल्यूशन के प्राइमरी रीजंस क्या होते हैं, व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला एमिशन, कंस्ट्रक्शन से होने वाली डस्ट, डीमोलिशन साइट, बायोमास बर्निंग, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और स्टबल बर्निंग, और बाकी के दूसरे। तब अगर आप मेंस लिख रहे हो इस साल का, तो ये सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिखते हैं, तो काफी ज्यादा अट्रैक्शन आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। दीज आर द सॉल्यूशन फॉर कंबैटिंग पोल्यूशन,
पॉल्यूशन से बचने के लिए सॉल्यूशंस भी तो कुछ होंगे ना, वो भी आपको बताने होंगे आपके मेंस एग्जाम में। तो इसके लिए ये चीज है कि एक तो देखो पर्सनल व्हीकल को अवॉइड करो, ज्यादा से ज्यादा आप पब्लिक व्हीकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको यूज करिए। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बदरपुर और सोनीपत के जो थर्मल पावर प्लांट है उनका क्लोजर कर दिया है। अभी लेटेस्ट जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है उनको लॉन्च कर दिया है, यानी कि सभी इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से स्मोक ना निकले और इंडस्ट्री ज्यादा एमिट ना करे। ईटों के जो भट्टे जिसको आप हिंदी में बोलते हो ब्रिक किल्न्स, उनको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ईटों के भट्टों से काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। तो इसलिए अब अगर ऐसी स्मोक लेस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से स्मोक अब नहीं निकलता है। इंडस्ट्री स्विचिंग टू पीएनजी फ्यूल, अभी पीएनजी फ्यूल यूज होने लग गया है वहां पे। पैटकोक जो इंडस्ट्री है, फर्नेस ऑयल है, उनमें बैन लग गया है। ओड इवन सिस्टम है, स्टबल बर्निंग को स्टॉप अगर करा जाए तो भी। पेट्रोल को, डीजल व्हीकल्स को आप अगर इसको अवॉइड करते हैं, और एथेनॉल जो ब्लेंडिंग फ्यूल होता है अगर उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करा जाएगा, तब भी जो पॉल्यूशन होता है वो कम्बैट हो सकेगा। म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है, अगर जो सॉलिड वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करा जाए, गंदगी ज्यादा ना हो, तब भी पॉल्यूशन को आप कॉम्बैट कर सकते हो, हरा सकते हो। समझ आया? ये सारे पॉइंट एक्स्ट्रा आपके लिए है गाइज, इसको आप अपने मेंस में या फिर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज उसमें एनरोल करिएगा, इसको उसमें डालिएगा, सो दैट कि आपको काफी अच्छे मार्क्स और काफी अच्छा इशू दिखेगा। अगर आप इसको माइंड मैप के वे में भी देखते हो, लाइक बीच में आप सॉल्यूशन लिख के एरोज लगा के इस तरह लिखते हो तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोमेंटम फॉर चेंज। मोमेंटम फॉर चेंज से रिलेटेड आपको आंसर करना है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरिएट। इट रिकॉग्नाइज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इट वर्क्स टुवर्ड ए हाईली रिजिलियंट एंड लो कार्बन फ्यूचर, एंड द लास्ट वन इज ऑल आर ट्रू। सो मोमेंटम फॉर चेंज से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट है, सो आंसर इट। क्या है मोमेंटम फॉर चेंज? क्या ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का एक कोई इनिशिएटिव है? सेकंड थिंग, है कि ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस को क्लाइमेट चेंज के लिए रिकॉग्नाइज करता है। थर्ड है कि हाईली रिजिलियंट एंड लो कार्बन फ्यूचर की ओर इसका काम है, इसका उद्देश्य है, और या फिर ऑल आर ट्रू। राजेश से डी एंड राशिद से डी। ओके सचिन, चलिए सो राइट आंसर इज डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो मोमेंटम फॉर चेंज है वो किसकी एक पहल है, यूनाइटेड नेशन की पहल है, और इसका उद्देश्य यही है कि इनोवेटिव नए नए तरीके खोजना कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। सोशल, समाज पर, इकोनॉमी पर जितने फर्क पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज से, उसको देखा जा सके, उसके लिए सॉल्यूशंस रिकॉग्नाइज करे गए। इट वर्क्स टुवर्ड ए हाईली रिजिलियंट एंड लो कार्बन फ्यूचर, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा और में कार्बन बहुत ज्यादा कम हो, इस तरीके से ये काम करता है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी टू शाइन ए लाइट ऑन द एक्टिविटीज दैट आर मूविंग द वर्ल्ड हाईली रिजिलिएंट एंड लो कार्बन फ्यूचर। ओके, और बोथ क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चेंज की ओर ये ध्यान देता है। चलिए अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या हम क्वेश्चन की सीरीज बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गई है। CSIR, CMERI डेवलप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ओके, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इट। उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इट वुड हेल्प इन अचीविंग डिसेंट्रलाइज डेसिमेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। इट वुड ऑल्सो क्रिएट वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट फ्रॉम रिडंडेंट स्टफ लाइक ड्राई लीव एंड ड्राई ग्रास। लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो गाइज।
MSW facility would also help to break COVID chain using UVC light and hot air convection method या फिर all the above. CSIR और CMERI एक बॉडी है जिसने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को लॉन्च करा है. इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका अच्छी तरीके से डिस्पोजल होना, अच्छी तरीके से उसका खत्म करके और वैल्यू एंड प्रोडक्ट को बनाना. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि MI, ये PIB की न्यूज है गाइज, कल वाली, आज वाली ही थी आई थिंक ये. और इसमें एक न्यूज थी, ये CSIR से रिलेटेड एक न्यूज थी. अब आप देखोगे कि तीन चार क्वेश्चन सिर्फ एक न्यूज से बने हैं, तो न्यूज एक थी लेकिन क्वेश्चन चार थे, राइट. तो आपने ये देखना है कि यूपीएससी इन चारों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकती है, तो अच्छे से कवर करना. इसका सही आंसर होगा डी, चारों तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. CSIR MERI ने एक प्रोसेस लॉन्च करा है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी. इसकी सहायता से जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम अच्छे से खत्म कर सकते हैं, उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट होता क्या है, सपोज आपके एक ये घर है उसमें कोविड है, ओके. अब उस घर में कुछ डस्ट कूड़ा भी निकला होगा, वेस्ट भी हुआ होगा. अब ये वेस्ट कहां जाएगा, सोसाइटी में जाएगा. वो अपने घर में तो रखने से रहे, सोसाइटी में रखेंगे. अब सोसाइटी में गया तो दूसरे वेस्ट के साथ मर्ज हो गया है, तो अभी दूसरा वेस्ट भी सारा कोविड उसमें भी फैल गया है, राइट. यहां पे मर्ज होने के बाद सारे में स्प्रेड हो गया है. इज इट विजिबल गाइज क्लियरली, देखो कि सपोज ये घर है, यहां पे कोविड है, ओके. यहां से वेस्ट कुछ निकला होगा, घर का जो कूड़ा कचरा होता है वो निकला होगा. इसके बाद ये जो वेस्ट है वो कहां गया होगा, सोसाइटी में गया. सोसाइटी में जाने के बाद दूसरे वेस्ट के साथ मर्ज हो गया, ओके. मर्ज होने के बाद अभी सारा कोविड जो है वो दूसरे में भी स्प्रेड हो गया है. स्प्रेड होने के बाद अभी वो जो वेस्ट होगा वो दूसरी जगह और आगे जाएगा, औरों के साथ मर्ज करेगा. तो कोविड एक चेन क्या होगी, चेन बन गई ना एक तरीके से, एक बड़े लेवल पे कोविड फैल गया, राइट. लेकिन कोविड की चेन बन गई अब. बट यूजिंग MSW फैसिलिटी, जो कि CSIR की एक इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको लॉन्च करा है. इस फैसिलिटी के तहत, इस प्रोसेस के तहत यूवीसी लाइट को, यूवीसी लाइट होती है एक, एक हॉट एयर कन्वेक्शन मेथड होता है. इन दोनों की सहायता से उस वेस्ट को जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा. अब डिस्पोज कर दिया गया तो अभी वो चेन भी रुक गई है. ये दो मेथड है, एक तो यूवीसी लाइट और एक हॉट एयर कन्वेक्शन मेथड, जिसकी सहायता से अब उस कोविड चेन को रोक दिया गया. यानी कि अगर अब वो जो वेस्ट है वो आगे भी जाता है तो अब उसमें कोविड नहीं है, तो चेन रुक गई है. तो इसलिए भी MSW फैसिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी है. अब ये बताइए, ये वाला, ये जो हमने मैप बनाया, ग्राफ बनाया, ये क्लियर है आप लोगों को, या रिपीट करने की जरूरत है? आंसर इट. सपोज एक बार मैं रिपीट करती हूं कि अगर एक घर में कोविड है और उस घर से वेस्ट जो निकला है वो वेस्ट सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में जाने के बाद दूसरे वेस्ट के साथ मर्ज हो जाएगा. अब वो जो कोविड है वो सारे में स्प्रेड हो गया, ठीक है, दूसरे वेस्ट में भी फैल गया है. इससे क्या हुआ कि कोविड की एक बहुत बड़ी चेन बन गई. लेकिन MSW फैसिलिटी को यूज करके हम, जिसमें यूवीसी लाइट होती है और हॉट एयर कन्वेक्शन मेथड होता है, इसकी सहायता से उस कोविड चेन को रोक सकते हैं. अब अगर वो वेस्ट कहीं पर भी जाएगा तो अब उसमें कोविड नहीं है, तो अब वो चेन रुक गई है, राइट. दैट्स व्हाई ये फैसिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वेस्ट को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है. इट ऑल्सो मेंटेन अ क्लीनर एनवायरमेंट, क्योंकि अगर वेस्ट का अच्छे से डिस्पोज हो जाएगा तो एनवायरमेंट भी क्लियर होगा, सोइल एयर और वॉटर का अच्छे से कंटामिनेशन हो पाएगा.
CSIR MIR ने एक ये भी लॉन्च करा है, I mean, इसका पूरा नाम क्या है, सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मिनिस्टर ने ये बोला कि ये जो वेस्ट होता है अगर हम उसको अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो बहुत सारी जो डिजीज होती है बीमारियों को ये आगमन करता है, उनका वेलकम करता है, राइट। इसे पैथोजन्स, बैक्टीरिया, वायरसेस ये सारी क्रिएट होते हैं। इट ऑल्सो एमिट मिथेन गैस, मिथेन गैस को भी ये बहुत ज्यादा एमिट करता है, तो वेस्ट का अच्छे से डिस्पोजल करना, उसका अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है। MSW फैसिलिटी में और क्या होगा कि जैसे अभी आप लोग सब मास्क वेयर करने लग गए हैं तो अब ये मास्क भी एक टाइम तो वेस्टेज ही हो जाएगी, इसको भी डिस्पोज करना जरूरी है। सैनिटरी नैपकिन्स को, डाइपर्स को या दूसरे जो रैपर्स होते हैं उनको भी जो है कन्वर्ट करना एक एंडेड प्रोडक्ट में, वो भी जरूरी है और वो MSW फैसिलिटी करेगी। इट विल रिवाइव ग्रीन एनर्जी रिलायंट इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR CMERI हैड लॉन्च मैकेनाइज्ड सेग्रीगेशन प्रोसेस। उन्होंने एक और प्रोसेस लॉन्च करा है जिसका नाम है मैकेनाइज्ड सेग्रीगेशन प्रोसेस। हाउ इट विल बी बेनिफिटेड एंड विल यूजफुल, कैसे ये बेनिफिट होगा यूजफुल होगा वो आपको आंसर करना है। इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द बायोगैस फ्रॉम ग्रास एंड वीड्स। इट वुड यूटिलाइज सो डस्ट, शेडेड लीव्स, बायोगैस स्लरी एंड प्रोड्यूस ब्रिकेट। कोड है 1 only 2 only, बोथ या नन, आंसर इट। एक प्रोसेस है मैकेनाइज सेग्रीगेशन प्रोसेस, इसमें हो क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ग्रास होती है, जो घास होती है, वीड्स होते हैं, उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर देना। सेकंड क्या है कि जो सूखे पत्ते हैं, शेडेड लीव्स है, डस्ट है, स्लरी है, उन सबको बायोगैस में कन्वर्ट करके बायो बना के और ब्रिकेट बना देना। ओके, सी, चलिए। मैकेनाइज सेग्रीगेशन प्रोसेस, चैतन्य आंसर इट, राजेश, चलिए। सो सी इज द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें ग्रास से बायोगैस का बायोगैस बनती है और जो लीव्स वगैरह होती हैं उसको यूज करके ब्रिकेट्स को प्रोड्यूस करा जाता है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्रास, वीड्स और वर्मी कंपोजिशन और स्लरी को बायोगैस में कन्वर्ट करा जाता है। इसके अंदर लीव्स, स्लरी और उससे ब्रिकेट बनाए जाते हैं और ब्रिकेट बनाने के लिए, ब्रिकेट एक तो ईंट वगैरह होती है ना जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है, उसको बनाने के लिए स्मोकलेस स्टोव भी यूज करा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिक किल्न्स जो होती हैं, ईंटों के जो भट्टे होते हैं, वो काफी ज्यादा स्मोक क्रिएट करते हैं, जिसके लिए अब क्या कर दिया गया है कि अब इनको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जिससे क्या होगा कि अब ये जो ईंटों के भट्टे होते हैं वो स्मोक नहीं कन्वर्ट करेंगे, वहां पे स्मोकलेस स्टोव यूज कर दिए गए हैं। ओके, जिससे एलपीजी भी अब हमें ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। एक चीज से कितने ज्यादा फायदे होते हैं वो सब आपको एनालाइज करना है, ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुवर्ड्स टारगेटिंग ए जीरो लैंडफिल, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड बाय CSIR MERI इज पायरोलिसिस प्रोसेस। यानी कि अगर हमने, हमारा टारगेट है जीरो लैंडफिल, इसको अचीव करने के लिए इस बॉडी ने एक प्रोसेस चालू करा, एक टेक्नोलॉजी चालू करी है जिसका नाम है पायरोलिसिस प्रोसेस। अब उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। इट विल कन्वर्ट प्लास्टिक इनटू गैस एंड फ्यूल। इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस एंड प्रोड्यूस विद इन परमिसिबल टॉक्सिन एज कन्वर्जन हैपेंस इन एनारोबिक चैम्बर, बोथ या नन। जैसे हमने बोला पायरोलिसिस प्रोसेस में क्या प्लास्टिक गैस में कन्वर्ट होती है, सेकेंड कहती है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है और इसके अंदर जो है एनारोबिक चैम्बर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्जन होता है विद इन परमिशेबल टॉक्सिन। ओके,
न्यूज एक क्वेश्चन चार, आपको आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को न्यूज पढ़नी कैसे है। आप सब पीआईबी कवर करते हो रेगुलरली? पीआईबी और एयर न्यूज को कवर करते हो क्या? बताइए पायरोलिसिस प्रोसेस क्या है? ओके राजेश डू यू रेगुलरली फॉलो पीआईबी एंड द एयर न्यूज? इस राइट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नहीं करते। चेतन सचिन डू यू राजेश, ये तीन दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि पायरोलिसिस, आप इसको एक ऐसे पी से कनेक्ट भी कर लोगे कि पायरोलिसिस प्रोसेस में जो प्लास्टिक होती है उसको गैस और फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि अगर प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट में से खत्म होगी तो फ्रेंडली प्रोसेस होगा। दूसरा, इस प्रोसेस को करने के लिए कोई ज्यादा स्मोक वगैरह वाली कोई बात नहीं है, पॉल्यूशन कोई क्रिएट नहीं होता, दैट्स व्हाई भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। ओके, इट प्रोड्यूस विद इन परमिशेबल टॉक्सिन, यानी कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत किसी ज्यादा टॉक्सिन की भी जरूरत नहीं होती, और ये एनारोबिक चैम्बर में होता है। एनारोबिक मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के हेल्प से ये जो है कन्वर्जन अच्छे से होता है। तो ये पॉइंट भी याद करना जरूरी है। हैवी ऑयल गैस बीइंग यूज्ड इन पायरोलिसिस प्रोसेस इन ऑब्टेनिंग सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन प्रोसेस, ये अलग से पढ़ लीजिए। ये भी इको फ्रेंडली है, जिसके अंदर सॉलिड जो वेस्ट होता है विदाउट फॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक, यानी कि देखो जो पायरोलिसिस प्रोसेस है उसमें ये स्टेटमेंट यहां लिखी है कि विद इन परमिशेबल टॉक्सिन्स, ये आप पढ़ रहे हो अच्छे से जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, विद इन परमिशेबल टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन तो इसमें होता है बट अमाउंट कम होती है टॉक्सिन की। दूसरा एक प्रोसेस है प्लाज्मा गैसिफिकेशन प्रोसेस, उसके अंदर विदाउट होता है, यानी कि इसमें किसी भी टॉक्सिन की जरूरत नहीं होती, विदाउट फॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक। दो टॉक्सिक होते हैं, वन इज अ डायोक्सिन्स और अदर वन इज अ फुरांस। अब इन दोनों टॉक्सिन की सहायता के बिना ही प्लाज्मा गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसके हेल्प से हम सॉलिड वेस्ट का अच्छे से डिस्पोजल कर पाते हैं। इज इट क्लियर दोनों का डिफरेंस और दोनों का मतलब क्या है? दोनों इको फ्रेंडली है, लेकिन पायरोलिसिस में थोड़ा सा टॉक्सिन की जरूरत होती है, बट इन केस ऑफ प्लाज्मा विदाउट टॉक्सिन ये काम करता है, राइट? चलिए, अगर आप रेगुलरली नहीं भी फॉलो करते हैं तो आपका यहां से क्वेश्चन हो जाएंगे डेली पीआईबी के भी और एयर के भी। ये न्यूज जो हम कर रहे हैं अभी तीन चार क्वेश्चन, ये सारे पीआईबी के हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इसके बारे में ही क्वेश्चन आ गया। इट इज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सीएसआईआर इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट कोड आपको बताना है, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या नन। चलिए आप इसको आंसर करिए, सीएसआईआर है क्या? सिमिलरली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीएमईआरआई क्या है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, किसी बॉडी के अंदर आया है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर आया है, अब वो मिनिस्ट्री बॉडी है क्या, काम क्या करते हैं, कब ये बनी, तो वो चीज भी पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। ओके, उनको भी पढ़ा कीजिए। राशिद सेड इट्स ए, प्लीज गाइज ऑल यू मस्ट आंसर। सही होगा गलत होगा वो हम देख लेंगे, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, पर आंसर करना है उसकी टेंशन ले लीजिए। संध्या वेलकम, आपने बोला बी। ओके राशिद, सॉरी चैतन्य सचिन राजेश, जल्दी बताइए। ए राइट, राइट आंसर इज ए।
वन एंड टू ओनली, यानी कि ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही ठीक है, तीसरी गलत हो जाएगी। CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बिल्कुल ही सही बात है कि लार्जेस्ट रिसर्च है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और ये फंडेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। CSIR 1942 में बना था एंड इट इज ऑपरेट एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1860 में, उसके तहत ये काम करता है एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह। इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, CSIR इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनको हेड कौन करता है, इनके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। CMIR का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट, ए इज द राइट आंसर। विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। गाइस जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें राइट रॉन्ग क्या पूछा है इतना हाईलाइट कर लीजिए कि अब गलती ना कर पाए, उसको हाईलाइट पूरे अच्छे से कर लो। स्टील एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्रीज बाय मोर देन 153% ड्यूरिंग 2019-20। इंडियाज रैंक इज थर्ड आफ्टर चाइना एंड जापान इन स्टील प्रोडक्शन। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, या नन ऑफ द अबव। स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सो आंसर करिए। ओके, डी, नन ऑफ द अबव। रॉन्ग आंसर करना है उस हिसाब से करिएगा। चैतन्य सेड इट्स डी, ओके, राशिद सेड डी, चलिए नो वरी। राजेश सेड इट्स बी, चलो ओके। संध्या, when you will answer it, चलिए स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, बी इज द राइट आंसर। ओके, इंडिया का रैंक सेकेंड है क्योंकि स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है और इंडिया का रैंक है सेकेंड। टॉप सबसे पहले आता है चाइना, देन अपना आता है इंडिया, और फिर आता है जापान। वर्ल्ड की अगर रैंकिंग देखें इस बेस पे तो चाइना, इंडिया और जापान, ये सीरीज है। तो हमारा कौन सा लेवल हुआ, सेकंड हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि स्टील का जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है 153%, यानी कि इससे भी ज्यादा 153% से भी ज्यादा ये जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है 2019 और 20 का, ये जो है क्या बोलते हैं, फैक्ट है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, और इंडिया में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट है। ओके, नहीं, ए इज नॉट देयर सचिन, बी इज द राइट आंसर। इंडिया का रैंक सेकेंड है आफ्टर द चाइना एंड थर्ड नंबर पे है जापान। According to a research, human emission of nitrous oxide have increased by 30% between 1980 and 2016, which is a wrong statement regarding nitrous oxide. अभी एक रिसर्च आई है जिसमें ये पता चला कि ह्यूमन जो एमिट कर रहे हैं नाइट्रोस ऑक्साइड वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है बिटवीन 1980 से लेके 2016 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड 30% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, राइट। तो अब नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। परीक्षित, किसका आंसर आप पूछ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन का बी आंसर है, बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, हमने रॉन्ग पूछा था ना,
सो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इंडिया का रैंक सेकेंड है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। राशिद से रिस बी, चलिए ओके राजेश, सचिन, परीक्षित, चैतन्य, प्लीज आंसर इट फास्ट, थोड़ा जल्दी आंसर करिए। नाइट्रस ऑक्साइड क्या ये ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, पोटेंट है। सेकेंड है हाईएस्ट कंसंट्रेशन, यानी कि दूसरे नंबर पे ये आती है CO2 के बाद अर्थ एटमॉस्फेयर में, और ये एटमॉस्फेयर में 125 सालों तक रह सकती है, यानी कि एक बार आपने एमिट कर दी तो 125 सालों तक इसका जो टाइम पीरियड है इतने लॉन्ग टाइम तक ये रह सकती है। या डी कहता है कि नन ऑफ द अबव, सारी स्टेटमेंट ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड विच इज अ रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज बी, क्योंकि सेकंड नहीं है, थर्ड है। मिथेन कहाँ गया, भूल गए, CO2 मिथेन एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। इसका रैंक क्या है, थर्ड है। CO2 भी है एटमॉस्फेयर में, मिथेन भी है, उसके बाद नाइट्रस का टाइम आया। यानी कि आप कैसे याद कर लोगे, जैसे अल्फाबेट में सबसे पहले सी आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, उस वे में आप इसको याद कर लेना कि तीन है भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पहले सी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि 125 सालों तक ये एनवायरनमेंट में रह सकती है, ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा है, ओके। N2O इज ओनली रिमेनिंग थ्रेट टू द ओजोन लेयर। अभी क्या हो गया है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ओनली रिमेनिंग थ्रेट रह गई है ओजोन तक, क्योंकि CO2 की तरह ये बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, और CO2 तो फिर भी कुछ कम थी, CO2 से ज्यादा नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो 300 गुना ज्यादा पोटेंट है, उसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब आप देखोगे कि ओजोन को कितना ज्यादा फर्क ये डालती है, 125 ईयर तक एटमॉस्फेयर में रह सकती है। और अभी ये कंसर्न की बात क्यों थी, क्योंकि अभी मैन मेड एमिशन पिछले 5 दशकों से, यानी कि पिछले 50 सालों से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अभी थर्ड हाईएस्ट कंसंट्रेशन हो गई है आफ्टर द CO2 एंड मिथेन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बात क्लियर हो गई आपको। 43% ऑफ टोटल एमिशन केम फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेस, ये ह्यूमन से आते हैं 43%। मेनली अगर N2 एमिशन के लिए कंट्री देखें तो इंडिया, चाइना और ब्राजील तीन ऐसी कंट्री है जहां से बहुत ज्यादा एमिट होता है। मेजर जो सेक्टर है वो कौन से है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर वहां पे ज्यादातर यूज करे जाने लग गए हैं, जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड काफी ज्यादा एमिट होने लग गई है। इज इट क्लियर? इसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी होने चाहिए, ये आप मेंस में अपने डाल देना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इवन अगर आप पॉइंट्स में या माइंड मैप या कोई ग्राफ की हेल्प से लिखते हो, लाइक सॉल्यूशन लिख के एरोज लगा के इस तरीके से लिखते हो, एरिया भी ज्यादा कवर होगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। क्रॉप एंड मैन्योर मैनेजमेंट की, अच्छे से क्रॉप का और मैन्योर का मैनेजमेंट करा जाए, बायो फर्टिलाइजर को यूज करो, इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है उनको ग्लोबल लेवल पे दोबारा देखिए और उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाइए, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करिए, नॉन कार्बन जो सोर्सेज होते हैं उनको लेकर आइए ताकि क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सके। हम सिर्फ बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की लेकिन उसके लिए कोई स्टेप नहीं करते, तो नॉन जो कार्बन सोर्सेज होते हैं उसको लेकर आइए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट मेक बाउंड्री विद द थाईलैंड, मैप इस क्वेश्चन है। थाईलैंड किसी वजह से न्यूज में था, किसी सिटी की वजह से ये न्यूज में था, कल की न्यूज में। तो अब आपको इसका मैप पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। नॉट यहां लिखा है कैम्बोडिया, वियतनाम, म्यांमार या चाइना,
कोड है 1N4, 1N3, 2N3 या 2N4। बताइए किसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, उसको ये अच्छे से ध्यान देना है, डू नॉट मेक्स बाउंड्री। सचिन, चैतन्य, आंसर इट गाइस, बताइए जल्दी। ए डी और बी, ए डी और बी। ओके परीक्षित, सिर्फ आप इतने ही लोग प्रेजेंट हैं, सिर्फ तीन आंसर, तीन स्टूडेंट ने आंसर किया। क्या सिर्फ इन्हें ही प्रीलिम्स क्लियर करना है या जितने बच्चे हो अभी क्लास में उन सबको क्लियर करना है? बताइए क्या सिर्फ ये तीनों ही आईएएस बनेंगे क्या? प्लीज आंसर ऑल द स्टूडेंट्स। हाय वर्षा, गुड मॉर्निंग, आप क्लास के एंड होने पे ज्वाइन करे हो, प्लीज अपने शेड्यूल में डालिए कि 9 AM आपको स्टडी आइस चैनल पर पहुंचना है। इतने सभी क्वेश्चंस आपने मिस कर दिए, एक्सप्लेनेशन मिस कर दी, कैसे चलेगा ऐसे? अब प्लीज डेली हो जाइए। मैंने फर्स्ट क्लास 6 PM ली थी, वो इसका रीजन यही था कि आप लोगों की नजर में एक बार क्लास का शेड्यूल आ जाए, क्लास किससे रिलेटेड है वो आ जाए। अब आप डेली रेगुलर 9 AM हो जाइए, सुबह 9 बजे राइट टाइम पे क्लास में पहुंच जाया कीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट मेक बाउंड्री विद द थाईलैंड? थाईलैंड के साथ कौन सी कंट्री बाउंड्री नहीं बनाती? कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार या चाइना? हेलो मीनू, मीनू ये आपकी फर्स्ट क्लास है। डो नॉट मेक, आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो कि मेन्स के लिए भी हैं, और मेन्स से रिलेटेड हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी करी, सॉल्यूशंस भी सुझाए। अगर आप मेन्स लिख रहे हो, आप में से कोई, हाय डीके, आप में से कोई मेन्स लिख रहा है क्या इस साल? ओके, आपने बोला बी और डी, वियतनाम और चाइना, यानी कि डी। ओके वर्षा, मीनू, आंसर इट। चलिए, सो राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम इसका मैप देख लेते हैं। मीनू रेगुलर फॉलो कीजिए इस क्लास को अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, क्योंकि आप सिर्फ अगर करंट अफेयर कर लेते हो वो इतना सफिशिएंट नहीं है, उसको जब तक प्रैक्टिस और रिवाइज आप नहीं करते हो, एमसीक्यू की फॉर्म में इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपका अच्छे से वो चीज़ें याद नहीं रहते हैं। चलिए राशिद, अगले साल के लिए आपको इस साल तैयारी करनी होगी, तभी आप अगले साल लिख पाओगे। तो इन रेगुलरली इन चीज़ों क्लास को फॉलो करिए। ये जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हो, ये सारा है सॉरी थाईलैंड। इसके साथ में ये जो आप देख रहे हो, ये है म्यांमार, तो ये बाउंड्री बना रहा है। तो ए सी जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा, थर्ड कहाँ नहीं है, बी और डी में है, तो बी और सी में दोनों एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात रह गई ए और डी की, इस साइड है लाओस, नीचे की तरफ है कैम्बोडिया जो कि बाउंड्री बनाता है। अब लाओस से इधर अगर आप विजिबल हो रहे हैं, एक्चुअली आपको मेरी इमेज आ रही होगी, इधर वियतनाम है, आपको VI दिख रहा है, ये वियतनाम है। तो लाओस और थाईलैंड और वियतनाम के बीच में लाओस आ जाता है, सो दैट वियतनाम भी बाउंड्री नहीं बना रहा है। रही बात चाइना की, तो चाइना और थाईलैंड के बीच में म्यांमार और लाओस आ जाता है। ये आप देखोगे कि एक ही बाउंड्री, आप ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है जो मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये बाउंड्री है बीच में म्यांमार और लाओस की, उसके ऊपर है चाइना, इसलिए चाइना भी बाउंड्री नहीं बनाता है। ओके, 2, 3 एंड 4 नहीं है, सो आपका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, ये बाउंड्री नहीं बना रहा है, यानी कि वियतनाम और चाइना बाउंड्री नहीं बनाता है। क्लियर है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। इट वॉज लॉन्च इन 2014 एंड थीम इज 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन।
ये जो इंडेक्स है वो इंक्लूड करता है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड ओनली. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द CPCB इन कंसल्टेशन विद द IIT कानपुर. या ऑल द अबव. आंसर आपको करना है विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पे आप ट्रू कर लीजिए. कंसिडर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स. चलिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बहुत जरूरी है गाइस पढ़ना. और ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ना बी वाले में, इंडेक्स इंक्लूड क्या क्या करता है वो भी पढ़ना जरूरी है. इनको माइंड में सेट कर लो कि ये मटेरियल है जो इंडेक्स में आते हैं. इन इनको देख के इंडेक्स बनाया जाता है. वर्षा, मीनू, आंसर इट. सचिन, डीके, चैतन्य, गाइज आप लोग आंसर नहीं करोगे प्लीज, बात नहीं बनने वाली. आंसर करिए. राइट और रॉन्ग डज नॉट मैटर, रियली डज नॉट मैटर. अभी यहां पे मैटर नहीं करता पर आंसर करना करता है. हेलो कोमल, वर्षा सेड इट्स बी, ये सही स्टेटमेंट है. ओके, डीके सेड आल्सो इट्स बी. चलिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स कॉमल आंसर करिए. ओके डी. चलो राइट आंसर इज डी. तीनों स्टेटमेंट ऊपर जो दी गई है वो तीनों बिल्कुल ठीक है. एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 2014 में बना था, ये बात बिल्कुल ठीक है. और इसका थीम क्या था, वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन. ओके, ये बिल्कुल ठीक है. ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है. यहाँ जो वर्ड ओनली लिखा गया है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको MCQ में ओल, ओनली, नॉट ये सारे वर्ड दिख जाए तो एक सेकंड के लिए वहां ठहर जाइए, वहां सोचिए कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं. ओके, इनको अच्छे से पढ़िए कि ये सब चीजें जो यहाँ बोल रहे हैं वो सब ठीक है या नहीं. इसलिए अभी सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB और IIT कानपुर के द्वारा इसको डेवलप करा गया था, तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक होंगी. न्यूज में इसीलिए था क्योंकि न्यू दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर उनको स्टेटस मिला है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है. एयर क्वालिटी में 6 कैटेगरी होती है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सिवर. तो दिल्ली को ये स्टेटस पुअर का स्टेटस मिला है, दैट्स वाई ये अभी न्यूज में था. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक. न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड आपको आंसर करना है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत क्या है वो आपको बताना है. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2014 इन ब्राजील, 2014 में ये ब्राजील में बना था. इट इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय द सार्क कंट्रीज. मल्टीलेटरल बैंक है ये और जो सार्क कंट्रीज ने इसको चलाया हुआ है. इट एम इज टू फोस्टर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमंग द 5 इमर्जिंग मार्केट. इसका उद्देश्य जो है वो फाइनेंशियल और डेवलपमेंट को देखना और उसमें कोऑपरेट करना 5 इमर्जिंग मार्केट के अंदर. या फिर डी है, ऑल आर ट्रू. चलिए, अब मेरे को अभी आपने रॉन्ग आंसर बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड. वर्षा सेड इट्स ए, यही गलत है. सॉरी, बताइए बताइए जल्दी. न्यू डेवलपमेंट बैंक, इट्स बी. ओके, ओके राजेश, न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. मीनू सेड इट्स ए, कोमल सेड इट्स बी. ओके राइट, चलो भाई जल्दी आंसर करो. न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB है क्या ये? चलिए, आपने बोला सी, राइट आंसर इज बी, ये ही गलत है. क्योंकि NDB को सार्क कंट्रीज ने नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था. सिर्फ इतनी ही बात थी
कि जो ब्रिक्स नेशन है सिर्फ उन्होंने मिलके बनाया था। ब्राजील से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन सब ने मिलके इस एनडीबी को, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को बनाया था। और ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? ब्राजील में हुआ था, 2014 में हुआ था। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कनेक्ट कर लेना कि लास्ट में है 14। 14 मीन्स 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और कितनी कंट्रीज है ये? 5 है ब्रिक्स में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई एरिया में। 2018 में एनडीबी को एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर एक्टिव एंड फ्रूटफुल कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन। यानी कि जो ये एनडीबी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, यूनाइटेड नेशन के साथ एक इसका अच्छा कॉम्बिनेशन था, अच्छा उनके साथ कोऑपरेशन था, इसीलिए उसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी उन्होंने दिया था, राइट। हाँ, कैसे भी आप कर सकते हो, बी से ब्रिक्स कंट्री आप कर लो, और क्या कहते हैं, एनडीबी है, या किसी भी तरीके से आप कुछ भी याद कर लो, भाई याद होना चाहिए एनडीबी जो बैंक है वो ब्रिक्स कंट्री ने बनाया है, ब्राजील में है, 14 में बना था, 4 + 1 = 5, और ब्रिक्स कंट्री में 5 मेंबर हैं, उनसे भी करे जा सकता है। साथ में भी बोल दो 5 ही है, चलिए ट्रिक काम नहीं कर रही। विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस समिट 2020। रेस समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ट्रू आंसर करना है। दिस समिट वॉज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। इट विल बी अ ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स टू एक्सचेंज आइडियाज एंड चार्ट फॉर यूजिंग AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों सही है या एक भी सही नहीं है? आंसर इट। रेस समिट 2020 हुई थी, वो किसने कंडक्ट करी? सेकेंड, उसका उद्देश्य क्या है, उसने काम कैसे किया था, वो आंसर आप लोगों को करना है। वर्षा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर करा है क्या? सी, रेस समिट 2020। गाइज, आप, आई डोंट थिंक कि आप लोग रेगुलरली हिंदू को फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सभी क्वेश्चंस को आप सही आंसर करते हैं। कभी कभी स्किप हो सकता है, बट फिर भी आंसर सही किया कीजिए। कोशिश करिए कि आपकी रिवीजन अच्छे से रहे, और रिवीजन करिए। सी, राइट, सी इज द राइट आंसर। जो रे समिट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग, इन दोनों ने मिलके इस समिट को लॉन्च करा था, इसकी कंडक्शन की रही थी, और पहली ऐसी मीटिंग है जिसमें AI के द्वारा AI से रिलेटेड बातें हुई थी, एक्सचेंज हुए थे आइडियाज, राइट। इसका पूरा नाम क्या है? रेस 2020 का, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। अगर इसका नाम भी पता होता तब भी आप सेकेंड स्टेटमेंट ठीक कर देते। फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग हुई थी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी गई, इंडिया का नजरिया लिया गया, एक रोड मैप दिखाया गया फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट थ्रू रिस्पॉन्सिबल AI। और इसका थीम क्या था? AI फॉर ऑल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए है। ये थीम से भी रिलेटेड आपको पॉइंट्स में मिल सकता था, AI फॉर ऑल। ये थीम किसका है? रेस समिट 2020 का। इसको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना? राइट मीनू, सी इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आपको सभी कंसेप्ट, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए या नहीं आए? कहीं कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे अभी बताइए, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सभी क्वेश्चन, कंसेप्ट और मैटर, कंटेंट, सभी अच्छे से आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? क्लियर है आप सबको? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? बताइए। ओके राजेश, चलिए कोमल, प्लीज एक तो आप सब लोग टाइम पे आ जाइए,
9 AM क्लास होती है, प्लीज 9 AM पहुंच जाया कीजिए क्लास में, अदरवाइज आप लोगों के क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, प्लीज गाइज लॉस होगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए 9 AM रेगुलरली क्लास होगी, इस टाइम पे आपको क्लास में पहुंच जाना है। पॉलिटी की अगर आपको क्लास देखनी है, अगर आप न्यू हैं, पॉलिटी आप कवर करना चाहते हैं, तो स्टडी आईएएस पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, पूरी क्लास पड़ी है, इंडियन पॉलिटी की पूरी बुक पड़ी है सॉरी उसमें आपको, अगर आप वो पूरी सीरीज कर लेते हैं, आपको इंडियन पॉलिटी जैसी बल की बुक उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ वो सीरीज अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके, वर्ल्ड मैप सीरीज भी है, वहां से आपको वर्ल्ड मैप और स्टेट वगैरह अच्छे से आपको क्लियर हो जाती है। वर्षा, आप किसको आंसर कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम यहाँ। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने कनेक्शन में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, जहां पे भी आप कनेक्ट कर हो वहां पे इसे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे हेल्प ले सके। थैंक यू सचिन, और फर्स्ट क्लास से अब इसको आप रेगुलर करिए, और आप अपने हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एयर, PIB और बाकी के जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी आपके लिए इसमें कवर करे जाएंगे। एक दो दिन देर हो सकती है, कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन रह गया, कोई न्यूज़ रह गई, बट नेक्स्ट डे वो न्यूज़ आपकी श्योरली क्लियर हो जाएगी। ओके, कहीं कोई कंसेप्ट में दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अनअकैडमी अंकिता जिंदल इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप मेरे को वहां ज्वाइन कर लीजिए। मेंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां क्वेश्चन अपलोड करे जाते हैं, न्यूज अपलोड करी जाती है, और बाकी के जो प्रीलिम्स 21-2 के लिए क्वेश्चन अपलोड करे जाते हैं। अगर कोई क्वेरी भी आपकी है तो आप मेरे को वहां पूछ भी सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन यू हैव नाउ, कोई क्वेश्चन है अभी आपका, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है गाइज, कि अगर आपको कोई लैंग्वेज ना समझ आ रही हो, कि मैं अगर ज्यादा हिंदी में हूं तो प्रॉब्लम है, इंग्लिश में हूं तो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज रिलेटेड एनी इश्यू यू हैव, जस्ट लेट मी नो वंस, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। मीनू कॉमन आंसर बताइए कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आई मीन कुछ समझ ना आ रहा हो। या बायलिंगुअल लैंग्वेज आप लोगों के लिए परफेक्ट है, कोई एक सिंगल लैंग्वेज में होना चाहिए, एनी मैटर। ओके राजेश, बायलिंगुअल इज परफेक्ट, चलिए ठीक है, बायलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी कल से भी, और डेली इस क्लास में बायलिंगुअल ही होगा। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती तो इंग्लिश में हो, आपको ट्रांसलेट करके बता दिया जाएगा, इवन नोट्स भी सब इंग्लिश में होते हैं, और अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता दिया जाता है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय चैनल अनअकैडमी अंकिता जिंदल, विच विल बी योर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी हियर, एंड हैव ए नाइस डे अहेड, थैंक यू। हिंदी में ओके, आपको कहीं मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चंस भी हिंदी में अपलोड कर दिए जाए, बट अगर नहीं भी हो पाता है ट्रांसलेट, हिंदी में नहीं लिखा जाए, तो कोई क्वेश्चन कहीं पे आपका होता है आप मुझे वहीं पे बता दीजिए। ओके, वहीं पे हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आए। हिंदी में क्या, हम अपनी नॉर्मल भाषा में इसको ट्रांसलेट कर देंगे, समझ आना चाहिए।